वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। एंड आज का जो टॉप कमेंट है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड आप लोगों को भी यहाँ पे फीचर होना है तो आप लोग भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज के सब्सक्राइबर गोल में सिर्फ हमारे को 40 सब्सक्राइबर्स चाहिए। होप करता हूँ ये तो आप लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च पार्टी से रिलेटेड। जो लॉन्च पार्टी है उनकी ओवरऑल स्टैंडिंग आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। एंड इसके जो विनर है वो बन चुकी है टीम रेबल। एंड हमारे को टोटल 64 टीम्स में से एक गर्ल्स लाइनअप खेलता हुआ दिखाई दिया था। एंड उन्होंने जीत लिया है लॉन्च पार्टी को। एंड इसके रनर अप रहे हैं टीम जोनाथन, जो भी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद बात करें हम पोकेमॉन यूनाइट के बारे में, तो जो SATL है वो क्वालिफाई हो चुकी है पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए। एंड इसके साथ में हमारे को जो FSE स्पोर्ट्स है वो भी क्वालिफाई होती हुई दिखाई दी। तो इसी के ऊपर जो सिट भाई उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिस पे किसी ने रिप्लाई करते हुए बोला था कि BGMI में जीतोगे तो लगाना। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने जो BMPS की ट्रॉफी है उसके साथ एक पोस्ट डाला था, वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद बात करें घातक भाई से रिलेटेड, तो उन्होंने भी कुछ स्टोरी लगाई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो लॉन्च पार्टी है उसमें टीम जोनाथन के -15 पॉइंट्स हो गए थे, क्योंकि हमारे को एक मैच में जो जोनाथन है उन्होंने फायर कर दिया था कार पे, बट उन्होंने किसी बंदे को नहीं मारा था। एंड इस जीत से रिलेटेड उनके 15 पॉइंट्स जो है वो डिटेक्ट कर दिए गए थे। तो जो घातक भाई है उन्होंने कुछ स्टोरीज लगाई थी इससे रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसा कुछ भी रूल बुक में नहीं लिखा था एंड ऐसे कोई रूल्स वगैरह भी नहीं है एंड फन इवेंट था। एंड इसके अंदर भी -15 हो गए हैं एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है अल्फा क्लेशर को लेके। तो जो अल्फा क्लेशर है उन्होंने बात करी थी RNT को ज्वाइन करने से रिलेटेड, एंड काफी लोगों को एक डाउट था कि उन्होंने लीव कर दिया है 8-bit को। तो इस चीज को उन्होंने क्लियर करा अपनी स्ट्रीम से। बता रहा हूं, आई डोंट नो फॉलो नहीं कर रहे हो आप या क्या कर रहे हो, जितने भी हाईलाइट चैनल है हो सके तो डालो ये सारी चीजें और लोगों को नोटिफाई करो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो 8-bit इज अ ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसी, इट इज अ क्लैन एज वेल, बट मेनली 8-bit इज अ ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसी। एंड मैंने 8-bit इसीलिए ज्वाइन किया था सो दैट ठग भाई एंड गोल्डी भाई मिलकर मेरी ब्रांड एंडोर्समेंट जो होती है, ब्रांड कोलाब्रेशंस जो होते हैं उसको फिक्स करें, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्रांड्स नहीं आ रहे। प्रॉपर तरीके से ब्रांड्स नहीं आ रही थी मेरे चैनल के ऊपर। आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज फाइनेंशियली, जितना भी हो सकता है उतना नहीं आ रही थी मेरे चैनल के ऊपर। मेनली एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ही आता था, आप लोगों को पता है कौन सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। वो इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सिवाय हार्डली कभी कुछ ब्रांड्स आती थी मेरे पास, आप लोगों ने नोटिस करा होगा। रिसेंटली इंटेल वगैरह भी आई थी एंड एवरीथिंग वॉज वर्किंग फाइन, बट still there was a scope of improvement, so that's why for to save my business and to save my living to make a living I had to join 8-bit as a brand agency. So wo hai hamari brand agency, theek hai, abhi bhi hai aur rahegi. Now thug bhai ne khud mujhe suggest kara hai, goldie bhai ne bhi khud milkar suggest kara hai ki you should definitely join Revenant as a clan, as an organization that will help me to grow and साथ में मिलकर दोनों grow कर सकते हैं। Now I hope कि 8-bit का and Revenant का जो portion है वो आपके दिमाग में sort हो गया हो। I have no problem with anyone, किसी ने किसी को kick नहीं करा है, मैंने किधर कुछ नहीं छोड़ा है। ठग भाई गोल्डी भाई अभी भी हैं हमारे साथ एंड साथ साथ में एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ रेवेनेंट है। सो ये एक बेसिक चीज़ थी जिससे मुझे स्टार्ट करना था। मैंने कुछ लोगों को चैट और कमेंट्स वगैरह में देखा मैंने। इसके बाद जो अल्फा क्लेशर है उन्होंने बात करी थी हाइड्रा से रिलेटेड, क्योंकि काफी लोग उनसे चैट में ये चीज पूछ रहे थे, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा। उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट वेयर द इश्यूज इन हाइड्रा विद मामा एंड ऋषभ, आई डोंट नो ये नाम क्यों लिए गए हैं, बट I don't want to talk about any one of them. Okay? I was a huge fan of you, Alpha Bhai. The most brutal part was you took 5 people with you. What do you mean by you took 5 people with you? I really don't get it. मैंने आज भी आयुष BT Emperor VC में है, आज भी इनको पूछो घे अगर कि अगर मैंने इनको एक भी बार बोला हो, इनफैक्ट मैंने BT को ये भी बोला था कि मत आ तू, तू जहां पर है वहीं रह, बिकॉज तू जिस हिसाब से कंटेंट बनाता है उस हिसाब से ही होगा। बट मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा यार ये सारी चीजें, बट अगर आप थोड़ा शांति से दिमाग लगा के सोचो ना तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग हाँ
Hydra will rise again and I hope that you will rise too. Lots of love for your future. Thank you so much, Paradise Vlogs. And yeah, I'll be a well-wisher for Hydra as well. जो उनकी भी हमें rise देखनी है वापस. So hopefully जल्दी हो. And it was going to be amazing journey. But बच्चे लोग को मैं अभी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई. मेरे छोड़ने के बाद इतने सारे लोग छोड़ रहे हैं. ये कोई coincidence तो नहीं है ना. कुछ तो हैवी फकअप हो सकता है एक जगह पर जिस वजह से सब लोग निकल रहे हैं. इतना सिंपल लॉजिक अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या समझ रहे हो. एंड अगर निकालना ही होता तो डेंजर क्यों है भाई? क्यों मैंने उसको भी नहीं लेकर गया? पागल वागल हो क्या भाई? मजाक नहीं था जहां पर मैं इतने सालों से था. ऐसा थोड़ी ना बैठा था कि हाँ भाई समय देखूंगा और निकल जाऊंगा सबको लेकर. और निकल रहा होता तो भाई क्या भाई छोड़ो. एंड इसी चीज से रिलेटेड जो ऋषभ है उन्होंने भी रिप्लाई किया था अल्फा क्लेशर को अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो. एंड गाइज रही जो भी इधर उधर के लोग बोल रहे हैं, प्लीज गाइज आप लोग इग्नोर करो, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है. जब पहले किसी लोगों ने कुछ किया नहीं उन सब चीज़ों के रिलेटेड तो फिर अब बोलने का हक नहीं बनता. एंड अगर कोई कुछ बोल रहा है भी है तो भाई हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी करते नहीं है. सो हम अपने काम पे काम करेंगे, अपना काम करेंगे और कंट्रोवर्सी से अपने को कोई लेना देना नहीं है. ना ही हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, ना ही हमें कुछ करना है. जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपने को किसी से मतलब नहीं है गाइस. ठीक है, आप लोग निराश नहीं होंगे गाइस, इतना हम वादा करता है बस. यस गाइस, हम लोगों ने कभी नहीं किया है गाइस कंट्रोवर्सी. सो प्लीज़ गाइस आप लोग भी ना करो, मतलब ध्यान मत दो. यू नो कोई क्यों बोलता है आपको पता है. जिसको अपना काम करना रहता है वो दूसरों के बारे में नहीं बोलता है, और जिसको अपना काम नहीं करना रहता है वही दूसरों के बारे में बोलता है. सो प्लीज़ आप इतना आप भी समझदार हो कि कोई क्यों बोलता है. डायनो इंटरेस्ट नहीं लक्ष्य भाई, आपको नहीं पता है ब्रो. डायनो पूरा बैन पीरियड और बैन से पहले और इतना डायनो नहीं तो लाइनअप सारे चलाए, इतने पैसे इन्वेस्ट किए सब डायनो नहीं तो किए ब्रो. क्या बात करो, इंटरेस्ट नहीं है. वो अकेले थे गाइस जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है. उन्होंने सबकी सैलरीज, सबके फोन्स, सबका सबके लिए जो भी था बूट कैम वगैरह स्पोर्ट्स के लिए सब डायनो ने ये तो किया था यार. ऐसा नहीं है गाइस, डायनो ने इन्वेस्ट किया है भाई, बहुत किया है भाई. आपको अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो अमाउंट डायनो बताते नहीं, बट उन्होंने पर्सनली किया ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ. उन्होंने अकेले सैलरीज और सब चीज़ें दी हैं प्लेयर्स को. आपको लग रहा होगा मैं उनका साइड लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हाइड्रा में हूँ, बट मैं था, मैंने देखा यार. ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि डायनो ने ही सब किया है, समझ रहे हो. ऐसा नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है भाई, बहुत किया है उन्होंने, बट एज सच कुछ आउटकम नहीं आया जो कि है. एंड इसके बाद हमारे को जो BGS है उसकी डेट से रिलेटेड भी कुछ लीक्स देखने को मिली, एंड वो वाली क्लिप आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. लहब की टीम में क्या सीन है भाई? अब तो BGS भी आ रहा है और जून के एंड से पहले ही ना BGS का अनाउंसमेंट कुछ टाइम में हो जाएगा. एंड रहा मुझे लग रहा है ना, जहां तक मेरे को सुनने में आया, लीक्स मिली मेरे को कहीं से BGS रिगार्डिंग, कि जून एंड से थोड़ा पहले या एंड में ही रजिस्ट्रेशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे शायद से. कल कोई बूट कैंप आया तो उन्होंने ही मेरे को बताया ऐसे ऐसा सीन है. मैं कहा भाई बहुत सही यार. मैंने उनसे पूछा भाई क्या सीन है, लैन वैन होगा कुछ या ऑप्शनल टूर्नामेंट होगी इस 3 महीने में? तो उन्होंने बोला भाई BGS आने वाला है एंड मोस्टली जून के एंड में ही BGS का अनाउंसमेंट शायद कुछ ही टाइम में हो जाएगा, जैसे आज तूने स्ट्रीम पे देखा होगा. इसके पहले अच्छा लूसीफर मैं तेरे की चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है? तुमने इतना लंबा चीटर लिख. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना.